वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोसेस रिकॉर्डिंग पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वार्ड, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन के बाद ऑक्यूपेशन के बाद इनकम, डायग्नोसिस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ इंटरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, ये चीज़ें लिख लेंगे हम। इसके बाद में प्लेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, भाई कहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इंटरव्यू का, जो भी बातचीत कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस रिकॉर्डिंग का। ऑब्जेक्टिव के बाद टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम कितना, किस टाइम पे हमने जो भी प्रोसेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और कितना ड्यूरेशन तक की। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्निक्स हो जाएंगी, कौन कौन सी यूज़ की हमने, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, एक्टिव लिसनिंग, ये कम्युनिकेशन टेक्निक हो जाएंगी। इसके बाद प्रोसेस रिकॉर्डिंग में वही जो भी हम जनरल बातचीत करेंगे पेशेंट से, वह सब चीज़ें आ जाएंगी, जो भी क्वेश्चनिंग आंसर कर रहे हैं नॉन वर्बल में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नर्स रेस्पॉन्स या पेशेंट रेस्पॉन्स हो जाएगा, यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। सबसे पहले हमने पूछा, हेलो मिस्टर रवि, गुड मॉर्निंग, स्माइल करके गुड मॉर्निंग। पेशेंट डिप्रेशन में तो स्माइल नहीं किया उसने। उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे पेशेंट से, जैसे कि आज कैसा फील कर रहे हैं आप, आपको यहाँ कौन लाया, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या आपने नाश्ता किया, ये सब चीज़ें यहाँ पर पेशेंट रेस्पॉन्स देगा। जैसे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए, मेरे परिवार में मम्मी पापा, मैं और एक छोटी सिस्टर है, हाँ मैंने नाश्ता कर लिया, जैसे आंसर दे रहा है पेशेंट, ठीक है। ऐसे फिर आगे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, छठा, सातवा, आठवा। ये सब क्वेश्चन कर लेंगे हम और पेशेंट आंसर दे रहा है वही चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद मैं लिस्ट ऑफ इन्फ्रेंसेज, वही जो भी बात करने के बाद हमको लगा कि पेशेंट के अंदर समस्या देखने को मिल रही है वो चीज़ें जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे हम। इसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर एक बेसलाइन डाटा के लिए जो भी बुक का रेफरेंस लिया है, वो बुक्स के नेम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। या बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे हम यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।